हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी बहुत सारे वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं कि किस तरह से हम अपनी स्किन को ग्लो दे सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम पिगमेंटेशन से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन बहुत बार एक टॉपिक जो है वो मिस हो जाता है, वो है ओपन पोर्स। और ओपन पोर्स पर वीडियो बनाने के लिए हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि आज मुझे लगा कि डेफिनेटली आप लोगों के सामने बैठना चाहिए और आप लोगों के साथ ओपन पोर्स के लिए हम घर में ही किचन में ही अवेलेबल कुछ चीज़ों के साथ में क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने ओपन पोर्स से छुटकारा पा सकें। सो अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्किन पर ओपन पोर्स है, आपकी स्किन जो है वो कहीं ना कहीं पर लूज होती जा रही है, सो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है अगर आपने इसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे फॉलो किया, क्योंकि ये जो टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उस टिप को ऑलरेडी मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पर ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड डेफिनेटली आप भी बिल्कुल वैसा ही अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिलने वाले हैं। सो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें, बिकॉज रोज हम एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। दोस्तों, ओपन पोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो ओपन पोर होता है वो होता है ऑयली स्किन पर होने वाला ओपन पोर, मतलब कि जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करने लगती है, बहुत ज्यादा तेल अपनी स्किन में प्रोड्यूस करने लगती है, और जब वो तेल बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जब बाहर आता है तो उस फोर्स की वजह से हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो ये हुए ऑयली स्किन पर होने वाले ओपन पोर्स। और जो दूसरी तरह के ओपन पोर्स होते हैं वो होते हैं मैच्योर स्किन पर होने वाले ओपन पोर। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन के अंदर जो हमारी स्किन को कसाव देने वाले जो प्रोटीन्स हैं, कॉलेजन और इलास्टन, धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन कम होने लगता है। और जब उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो कसाव है वो कम हो जाता है और हमारी स्किन धीरे धीरे सैग करने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारे जो पोर्स हैं वो थोड़े से इनलार्ज दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। So, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी स्किन के लिए ओपन पोर्स होने का रीजन क्या है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रेमेडी में थोड़ा चेंज होगा, और अगर आपकी स्किन ड्राई है या मैच्योर है तो रेमेडी थोड़ी सी अलग होगी। सो मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आपकी स्किन में ओपन पोर्स ऑयली स्किन की वजह से है या फिर मैच्योर स्किन की वजह से। अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में। सो रेमेडी बनाने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए। सबसे पहली जो चीज चाहिए दोस्तों, वो चाहिए धनिया पाउडर। हाँ जी दोस्तों, आपने शायद नहीं सुना होगा इसके बारे में किसी भी वीडियो के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फाइटो एंजाइम होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर जाकर के दो काम करता है। पहला, स्किन को प्यूरिफाई करता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी ये काम करेगा ताकि स्किन के अंदर जो जमा ऑयल है वो बाहर आ जाए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी ये काम करेगा क्योंकि इसका दूसरा फंक्शन है, ये आपकी स्किन के अंदर कॉलेजन और इलास्टन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। सो हमें यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लेना है। ये वही धनिया पाउडर है जो हम अपने घर में सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं मसाले के तौर पर, नंबर 2। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी जो है वो हम सब जानते हैं कि एक एंटी माइक्रोबाइल एजेंट है, एंटी जर्मिसाइडल एजेंट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी स्किन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो जब हमारी स्किन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो चाहे ऑयली स्किन की वजह से ओपन पोर्स हो रहे हो या फिर मैच्योर स्किन की वजह से, दोनों को ही ये लंबे समय तक प्रोटेक्शन देगा और लंबे समय तक हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हमारी मदद करेगा। सो यहाँ पर हमें 1 चुटकी या 2 चुटकी के आसपास हल्दी पाउडर ऐड करना है।
तीसरी जो चीज दोस्तों हमें यहां पर ऐड करनी है वो है दही। अब दही जो है यहां पर ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दही की जगह पर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपकी स्किन मैच्योर है तो आप यहां पर दही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दही के अंदर थोड़ा सा फैट होता है जिसकी वजह से जब आप इसे ऑयली स्किन पर लगाओगे तो यहां पर एक्ने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर मैच्योर स्किन के लिए आप इस ओपन पोर्स के पैक को बना रहे हो तो आपको दही इस्तेमाल करना है, और अगर आप ऑयली स्किन के लिए बना रहे हो तो दही की जगह पर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करोगे। बस ये एक ही चेंज है जो आपको ऑयली और मैच्योर स्किन में रखना है, बाकी पहले के दो और जो मैं बाद में बता रहा हूं दो, वो दोनों इंग्रेडिएंट में सेम ही रहने वाले हैं। नंबर चार जो चीज दोस्तों हमें यहां पर चाहिए इस ओपन पोर्स को रोकने के लिए वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जिसको हम गुड़हल के फूल का पाउडर कहते हैं, वो बहुत सारे ऐसे रेटिनॉइक एसिड से होता है जो कि हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए, साथ ही साथ हमारी स्किन को टोनिंग इफेक्ट देने के लिए, हमारी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। सो यहां पर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जो है वो हमें लगभग आधा चम्मच डालना है। अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर पाउडर नहीं है तो आप जो फ्रेश गुड़हल के फूल रहते हैं उन्हें भी 3 या 4 लेकर के अच्छे से सुखा लीजिए और उसका क्रश करके पाउडर भी आप बना सकते हो। यहां पर मैं आपको पाउडर देकर के बता रहा हूं ताकि आप बहुत इजीली बहुत जल्दी ही इस रेमेडी को बना सकें। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो चीज दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है एक चुटकी फिटकरी पाउडर। फिटकरी जिसको कि एलम भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के पोर्स को श्रिंक करने के लिए। तो अगर हमारी स्किन के पोर्स चाहे मैच्योर स्किन की वजह से चाहे ऑयली स्किन की वजह से एनलार्ज हो गए हैं तो वहां पर हमें ये एलम पाउडर या फिटकरी का पाउडर बहुत ज्यादा मदद करता है। बहुत सस्ता किसी भी किराने की दुकान पर या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर हमें ये मिल भी जाता है, एंड बहुत इजीली इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सो इन 5 चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है और मिला करके एक बहुत ही बढ़िया एक स्मूथ पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। इस स्मूथ पेस्ट को आपको चेहरे को पहले वॉश करना है, और वॉश करने के बाद इसको पैक की तरह, कैसे हम फेस पैक लगाते हैं बिल्कुल फेस पैक की तरह चेहरे पर लगा देना है, और चेहरे पर लगा करके इसे आधा घंटा छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आधे घंटे से कम मत छोड़िएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हमने इस पैक को बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स हैं, और उन एंजाइम्स को काम करने के लिए हमें कम से कम उन्हें आधे घंटे का समय देना होगा। आधे घंटे बाद आप थोड़े से ल्यूकवॉर्म वाटर से आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए, जिसको गुनगुना पानी कहते हैं, थोड़ा सा आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद देखिए आपके चेहरे के जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं। लेकिन क्या एक ही बार करने से हो जाएगा? यस, एक बार करने से होगा, लेकिन 5 से 10% होगा। तो अगर आप इसे रेगुलर रखते हो, हफ्ते में 2 बार या 3 बार अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो 3 से 6 महीने के लिए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके ओपन पोर्स श्रिंक होते जा रहे हैं और आपकी स्किन में आपको बहुत ही बढ़िया टोनिंग एंड टाइटनिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। सो मेक श्योर कि इस रेमेडी को जरूर करें। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस रेमेडी को कर सकता है, लेकिन जब भी आप कर रहे हैं उसी समय पर फ्रेश इस पेस्ट को बनाएं, इस पेस्ट को बना करके आपको रखना नहीं है। सो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, फॉलो कीजिए। रिजल्ट्स जो भी मिल रहे हैं प्लीज हमें कमेंट्स के माध्यम से आकर के जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि जो भी रेमेडीज हम आपके साथ शेयर करते हैं उनसे आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।